मध्य प्रदेश में बियर की खपत साल 2019 की तुलना में अप्रैल 2022 में 61% बढ़ गई है। इसे देखते हुए सरकार अब बियर पर आयात शुल्क प्रति बल्क लीटर 30 रुपये से घटाकर 20 रुपये करने जा रही है। इसी तरह वाइन पर भी आयात शुल्क 10 रुपये प्रति प्रूफ लीटर से घटाकर 5 रुपये किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्री समूह ने बियर पर आयात शुल्क में कमी करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। मध्य प्रदेश में लगभग 3600 शराब की दुकानें हैं। इन सभी में देशी और विदेशी शराब मिलती है, जबकि पहले सिर्फ 1200 विदेशी शराब की दुकानें पर ही बियर मिला करती थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंपोजिट दुकान होने से उपलब्धता बढ़ी है, इसके कारण खपत में भी वृद्धि हुई है। आबकारी विभाग में बियर बनाने वाली कंपनियां पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर रही हैं। मांग की पूर्ति के लिए अब आयात शुल्क में कमी की जा रही है। बैठक में आबकारी विभाग के गोदाम से दुकानों को शराब को मदिरा प्रदाय को लेकर मिल रही शिकायतों के निराकरण के लिए आबकारी मंत्री ने 2 दिन में परीक्षण कराकर समिति को अवगत कराने की बात भी कही है। अब 26 मई को आबकारी नीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार करके प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।